पहन के जा रहा है ये लड़का, देखो कहाँ जा रहे हो घूमने। लाइट नहीं है यहाँ पे, तो ये देखो दीदी भी डबल मास्क लगा के बैठी है। अरे कृष देखो सॉस लेकर आया है, सॉस रख दो उधर कृष। मेरा पानी और इधर हूँ बन मैं, ये देखो हाय। गया, कौ कौ दीदी दीदी कौवड़ी। कौवड़ी ये देखो इधर क्या लगाया है, मच्छरदानी लगाई है इधर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। देखो तो फ्रेंड्स हम लोग गए थे मार्केट क्योंकि मुझे राखी लेनी थी। ऑलरेडी मैंने कुछ राखियाँ ली थी लेकिन और भी लेनी थी, बच्चों के लिए लेनी थी मुझे राखियाँ, क्योंकि बच्चों को चाहिए होती ना कार्टून वाली, वो सब कुछ जैसे थोड़ा थोड़ा बहुत अलग टाइप का चाहिए होता है। तो मैं देख रही थी तो इस शॉप में मुझे मिल गई थी, मतलब कार्टून वाली, मतलब ऐसे डोरेमोन वो सब कुछ ऐसे नहीं ली थी, प्लास्टिक वाली नहीं ली थी मैंने, धागे वाली। और गणेशा था उसके ऊपर, बहुत सुंदर गणेशा था, तो वो वाली ली थी। दिखाऊंगी मैं किसी वीडियो में, और देख सकते हैं यहाँ पे भी दिख रही है वो, टोकरी में डाली हुई है। मेरे बेटे की चॉइस है, उसको चाहिए था गणेश वाला राखी, और वहाँ पे भी ढूंढ रहा था, ब्लू कलर की धोती चाहिए थी गणेशा को, तो रेड और ब्लू थी मतलब धोती कलर में, तो गणेशा को तो ब्लू ही चाहिए थी, तो ब्लू वाला गणेशा लिया था उसने राखी पे। और भी राखियाँ थी, बहुत सुंदर सुंदर थी, बहुत महंगी भी थी। तो इस तरीके से दिख रही है यहाँ पे राखी। और आते टाइम कुछ मतलब अमरुद भी लिए थे हम लोगों ने, तो ख़राब निकले थे, बस दो ही अच्छे निकले, और अंदर से पता नहीं ख़राब निकलते, ऊपर से तो बहुत अच्छी मतलब अच्छे दिख रहे थे वो, लेकिन अंदर से पता नहीं ख़राब निकले यार, पूरे मतलब पूरे फेंकने पड़े, बस दो ही हम लोगों ने खाए और पूरे फेंक दिए। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत, हम लोग पास आए थे, हमारे घर के पास ही आए थे बस। यहाँ पे चार पांच हाथ गाड़ियाँ ऐसे ही थी फ्रूट की, मतलब हमेशा ही रहती है वो। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने यहाँ पे अमरुद लिए थे, तो अमरुद देखो कितने सुंदर लग रहे थे, और हमने बहुत मतलब छान छान के, क्या बोलते हैं इसको, छाट छाट के, पता नहीं क्या बोलते, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लिए थे यार, लेकिन पता नहीं ख़राब निकले, जाने दो होता है कभी कभी। अब फ्रूट के अंदर क्या है समझ नहीं आता है, ऊपर से देखो कितने सुंदर लग रहे थे, अच्छे दिख रहे थे, तो लिए थे 1 kg लेकिन ख़राब निकले वो। और फिर गए दूसरे शॉप में, गए थे कुछ लेना था हम लोगों को, और फिर गए घर, फिर बारिश भी आ गई थी, आपको दिख ही गया होगा शुरू में ही डाला है मैंने बारिश का वीडियो। और एक मतलब खाने पीने का भी थोड़ा सा रेसिपी, रेसिपी तो पूरी शेयर नहीं की है, बस खाने में बनाया था, दाल बाटी बनाई थी जो फ्राई करके बनती है ना, दाल बाटी हम लोग फ्राई करके बनाते हैं, कोई कोई ऐसे पता नहीं अलग ही बनाते हैं, तो उस टाइप से हमारे इधर नहीं बनती है, तो हम लोग थोड़ा सा जो ऐसे लड्डू जैसा बनाते हैं बड़ा बड़ा, फिर उबालते हैं, फिर काटते हैं, फिर तेल में फ्राई करते हैं, कोई कोई घी में भी करता है, लेकिन घी वाला हम लोगों को पसंद नहीं है, हम लोग दाल भी खाते हैं तो बिना मतलब घी नहीं डालते उसमें, वैसे ही खाते हैं। तो दाल बाटी बनाई थी, साबूदाना था भीगा हुआ, तो उसका क्या बनाया था मैंने, हाँ साबूदाना वड़ा बनाया था, बहुत टेस्टी बना था साबूदाना वड़ा, बहुत दिनों के बाद बनाया था मैंने, तो इस तरीके का है। और ये बहुत पास आ गए थे हम लोग, घर के पास ही आ गए थे, बस 5 मिनट का रास्ता है देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।